जैसे कंपाउंडिंग आप लोग भी करते हो, कंपाउंडिंग हम लोग भी करते हैं, पर आप लोग लॉस करते हो। किस वजह से? क्योंकि लॉस और प्रॉफिट के बीच में सिर्फ एक ही चीज आती है, डायरेक्शन। क्या आप किस डायरेक्शन में वहां पर ट्रेडिंग करने उतरे हो, और डायरेक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप लोग कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई कोई सुबह 6 बजे उठता है, रात को 11-11 बजे तक काम करता है, पर फिर भी रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। और एक और चीज जो है कि क्वालिटी डेवलप करना, कि आपकी जो डायरेक्शन है ठीक है, वो किस तरफ जा रही है। आप स्ट्रेटजी पे ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे हो, कंपाउंडिंग पे अच्छा वर्क कर रहे हो, या फिर नॉर्मल एक मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा अच्छा तरीके से आप वर्क कर रहे हो, ये पता होना आज के टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके आप एक ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा पाओगे। जैसे आज हम बात करने वाले कंपाउंडिंग की बेस के ऊपर, कि किस तरह से हम जीरो से हीरो तक की कंपाउंडिंग कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट अपने ट्रेड की तरफ। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप भी अगर चाहते हो रेगुलर बैक टू बैक शॉर्ट्स, वो भी 2 से 3 शॉर्ट्स, वो भी फ्री में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल इजीली। वहां पर लाइव सीजन होता है और आपको वीडियो में देख लेना एक्यूरेसी, उसी एक्यूरेसी पर हम वहां पर भी ट्रेड करते हैं। तो मेरे दोस्तों, वापस आ चुके हैं अपन बायनोमो चार्ट के ऊपर। आज अपन करने वाले जीरो टू हीरो टू की कंपाउंडिंग, जीरो से मार्क अपने जो बैलेंस है इसको हीरो तक लेके जाएंगे। मतलब सीधी सी है कि आपकी साइकोलॉजी में थोड़ी सी अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग में अपनी भाई प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात अगर अपन करते हैं तो मुझे जहां पे लगता है यहां से मार्केट डाउन जाना चाहिए, और आपको भी लगता है यहां से मार्केट डाउन जाना चाहिए, पर मेरा कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का रहता है, आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का रहता है, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन में भी आऊंगा, स्ट्रेटजी में भी आऊंगा, एक एक चीज देखना, समझना, सीखना। और जैसे मैंने आपकी वीडियो में फर्स्ट में मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज में वर्क कर रहे हो। मुझे कई बार आपने देखा होगा कि मैं अधिकतर फर्स्ट स्टार्टिंग आप अली पब्लिक ग्रुप के लाइव सेशन में आ जाओ, VIP के लाइव सेशन में आ जाओ, या फिर मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो देख लो, अधिकतर मैं शुरुआत करता हूँ प्रोजेक्शन से। भाई मुझे पसंद है, मेरी एक्यूरेसी बैठती है, ठीक है। मैं फुल मनी यहाँ पे ट्रेड लूंगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, फुल मनी मैंने लगा दी है। बात कर रहे थे अपन कॉन्फिडेंस की, भाई आप लोग भी ऐसा ही पर होता है कि आप लोगों को लगता है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आपका लेवल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या चीज यूज कर सकते हो, डेमो अकाउंट ओपन करो, प्रैक्टिस करो, दिख जाएगा कि आपको आज प्रेजेंशन वर्क कर रहा है, आज स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, या फिर आज बोलिंग का बेट वर्क कर रहा है, एक ही चीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जैसे कि अभी अपना सिर्फ यहाँ पर 15 सेकंड बाकी है, अपनी फुल मनी की ट्रेड थी 2,49,525 रुपए अपने स्टेट में लगाए थे, और अभी सिर्फ और सिर्फ ये 8 सेकंड बाकी है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विजेता। देखो फर्स्ट ट्रेड अपनी यहां पर विन हो चुकी है, और देखो डायरेक्ट अपना अकाउंट हो गया है यहां पर डबल, ठीक है। अब देखो जीरो टू हीरो की मैंने बात करी थी कि आपको प्रॉफिट करना है, पर यह चीज नहीं कि हर ट्रेड में आपको फुल मनी यूज करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप में जब यहां पर आपने मनी यूज करी है तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी, अब मुझे यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरी ये जो ट्रेड है ना यहाँ पर विन ही करने वाली है। उसका रीजन मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगा। देखो प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि क्यों लगा। फर्स्ट चीज क्या है, मैं आपको एक तो एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूं, चलो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक था सपोर्ट एरिया, ठीक है, इस आपको सबको दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। मार्केट इससे यहां से ऊपर गया था, एक सेकंड, यहां से मार्केट ऊपर गया था, अगेन मार्केट इतना नीचे गया, ऊपर जाके उसने क्लोज किया, यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद जो सपोर्ट एरिया पे जो कैंडल बननी चाहिए, जैसे आपको पता है वहां पर कैंडल बननी चाहिए, कौन सी कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल, वो बनी। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। अगर यहाँ पर 3 कैंडल होल्ड हो चुकी है, मार्केट ने अभी भी ये जो सपोर्ट एरिया ये ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट पूरी तरीके से रेडी है अपवर डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने के लिए। वही सेम चीज यहाँ पर प्रीवियसली भी हुई थी, ठीक है, रेड कलर थी, उसके बाद ग्रीन बनी, ठीक है, ये ग्रीन बनी, उसके बाद वापस आके रेड बनी। सेम नहीं मिलेगा कि मेरे को जो मिला वही मिलेगा, बस बात बता रहा हूँ, ठीक है। सेम पैटर्न है, रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, अगेन ग्रीन एंड अगेन ग्रीन, कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने लॉजिक यूज किया, प्राइस एक्शन प्लस कैंडल साइकोलॉजी और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया। मार्केट ने प्रीवियस जो ट्रेंड फॉलो किया था वही ट्रेंड मैंने यहाँ पर फॉलो किया और प्रॉफिट निकाला। मैं भाई तभी तो मैं बोलता हूँ मार्केट सिंपल चीजों पे वर्क करता है। आप ज्यादा मार्केट को डिफिकल्ट लेके जाओगे, 10-15 स्ट्रेटजी का यूज करोगे तो भाई पैसा नहीं बनने वाला, भाई मैं सच बताऊँ, ठीक है। अभी अपन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर वापस 80,000 रुपीज,
कि अपने को कहां पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहां पर अच्छे से अपने को प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट देखो, सबसे पहली चीज क्या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको ये देखना होगा मार्केट में सबसे पहले आते ही, पहली चीज क्या है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट में आया मैंने सबसे पहले ट्रेड ली, बट ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मार्केट देखना आना चाहिए कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। अगर मार्केट इतनी बड़ी बड़ी वीक्स निकाल रहा है, कहीं पर भी चेंजेस हो रहे हैं, दिख रहे चेंजेस दिख रहे हैं आपको, इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो हो सके जब तक थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करो। आपने ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल कितनी अप डाउन फेस कर रही, इसका मतलब थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करो भाई, मत करो इसे मार्केट में ट्रेड। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा सा रिस्की है, मत करो मेरे भाई ट्रेड। जरूरी नहीं है हर मार्केट में ट्रेड करना, हर टाइम पैसा बनाना। देखो एयूडी के दोनों मार्केट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इनके बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रेड लूंगा 80,000 रुपीज के अपर डायरेक्शन की तरफ, अभी जो टाइम है वेट करो देखते हैं। EUR का मार्केट थोड़ा सा डाउन आ रहा है, और देखो ये मार्केट सही है, EUR सही है, NZD सही है, AUD NZD ये थोड़ा शांत तो है, बट अपर डायरेक्शन की तरफ ही है, ठीक है। तो मैं AUD USD में ट्रेड लेना पसंद करूंगा अपर डायरेक्शन की तरफ। मैं इसी मार्केट के फ्लो के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही कभी भी ट्रेड नहीं प्लेस करता हूँ कहीं पर भी, ठीक है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होता हूँ, पर मुझे आपको यहाँ पर कुछ सिखाना है तो भाई मुझे ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। देखो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को थोड़ा सीखना भी पड़ेगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब तो भाई मेरा कर ही देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर क्लिक करके भाई ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर भी मिल जाएगी, तो भाई वहां पर चले जाना। रेगुलर आपको बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट सेशन मिलने वाले पब्लिक ग्रुप में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भाई बस ज्वाइन ना। देखो यहाँ पर ट्रेड लेने का मेरा मेन रीजन क्या था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, फिर आपने ट्रेड क्यों ली। पर यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये ट्रेड विन होगी वो अलग बात है, अगर लॉस भी होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह से कैंडल बनती ना, वो थोड़ी न्यूज इंपैक्ट कैंडल्स होती है, ये मार्केट कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा न्यूज इंपैक्ट अपना डालता है, इससे वो कैंडल क्लियर होती है, वो भी बुलिश कैंडल नहीं होती है। थोड़ा सा देखो शायद नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये कैंडल अपनी कहीं के भी ट्रेड अपनी शायद लॉस हो रही है, एक बार उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो गई है, तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि जब मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी फुल मनी की, मुझे कॉन्फिडेंस था, और यहाँ पर मैंने ट्रेड ली उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था मुझे, मैं एक तरह से एक नाव में बैठा था 50-50% वाली, कि 50% अपन डूब सकते हैं, 50% अपन नया पार कर सकते हैं, उस नाव में बैठा था। और ऑफकोर्स वो लॉस हुआ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं सिखाना चाहता था। EUR भाई ज्यादा ही डाउन जा रहा है, सबसे पहले मार्केट का मार्केट सिमिलर चलना चाहिए आपका, अगर आपका मार्केट सिमिलर नहीं चलता तो देखो फिर आप खतरे में हो। सारा मार्केट एक जैसा चलना चाहिए, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा डाउनलोड डायरेक्शन के लिए, दो ट्रेड लिंग मैंने डाउनलोड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, क्रिप्टो IDX में। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक मूविंग एवरेज यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एक तो 90 की येल्लो कलर टाइप रखेंगे इसका एक्सपोनेशन, वापस से मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, पीरियड रखेंगे इसका 30, टाइप रखेंगे इसका एक्सपोनेशन, कलर करेंगे स्काई ब्लू। मैंने आपको कितनी वीडियो में बता रखा है, अगर ये येलो लाइन ग्रीन लाइन को डाउन की तरफ क्रॉस करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करने वाला है। ये चीज मैंने अपनी एक नहीं दो नहीं कितनी वीडियो में बता रखी है। देखो हाल फिलहाल तो देखो मार्केट इतना नीचे से इतना ऊपर आ गया, बनी कि भाई अलग ही वोलेटाइल मार्केट यहां पर चल रहा है। वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी है, इतना नीचे जाके मार्केट का इतना ऊपर जाके अगर आ रहा है तो भाई खतरा है मार्केट में बहुत बड़ा। अगर आप डेमो में प्रैक्टिस करो ये सब अगर आपको देखने को मिलता है तो भाई थोड़ा सा मार्केट में सतर्क हो जाना, ठीक है। 3, 2, 1 चलो ये ट्रेड लॉस हुई है, पर अपने को कोई टेंशन नहीं है, फुल मनी लगाने में भाई मैं कभी नहीं डरता हूँ, सीधी बात है। मुझे पता है ये ट्रेड अगर लॉस हुई ना, ये लॉस का कोई चांस नहीं था, एक अगर मैं एंट्री सही रखता ये ट्रेड ज्यादा ज्यादा अपनी रिफंड हो जाती, ठीक है। मूविंग एवरेज अभी भी कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पर प्राइस एक्शन ने मात दे दी है। प्राइस एक्शन क्या मात दी है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि मेरे को इस लेवल के नीचे जाने का ही नहीं है, सीधी बात, प्राइस एक्शन कह रहा है मुझे इस लेवल के नीचे ही नहीं जाना, ठीक है। तो बस मैंने वो चीज देखी, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट यहाँ से 100% ऊपर जाएगा, और अभी आप देख लेना ये पूरी कैंडल जो है ना अपनी ग्रीन में क्लोज करने वाली है, और 100% अपन यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करने वाले, 20 सेकंड बाकी। अब यहाँ पर आप मैं आपको कोई प्रॉफिट और लॉस का गणित सिखाने नहीं आया, मेरे को ये चीज दिखाने नहीं आया कि देखो मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैं खाली आपको ये चीज समझाने आया हूँ कि आपको कहाँ पर कितनी मनी यूज करनी है, कहाँ पर कम मनी यूज करनी है, कहाँ पर ज्यादा मनी यूज करनी है, ठीक है। ये चीज पहले देख लेना आप, ये 5, 4, 3, 2, 1 एंड प्रॉफिट। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, जिसको आप बोलने वाला हूँ मैं मूविंग एवरेज। दो मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है, फर्स्ट मूविंग एवरेज अपनी है वो है
जिसका पीरियड टाइम है 19 का, ठीक है, टाइप इसका एक्सप्लेनेशन और कलर कर देंगे अपन इसका येलो और अप्लाई, ठीक है। सेकंड मूविंग एवरेज जो मैंने लगा रखी है वो सेकंड मूविंग एवरेज है, उसका जो पीरियड टाइम है वो है 30 का, टाइप इसका एक्सप्लेनेशन और इसका कलर कर देंगे मैं स्काई ब्लू। ये कोई ऐसी बड़ी मूविंग एवरेज नहीं है जो मैंने बता नहीं रखी हो, आप अगर मुझे अगर 3 महीने से भी फॉलो कर रहे होंगे मेरे, कम से कम उसमें 1 या 2 वीडियो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया ही होगा, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। जिसमें एक ट्रेड लूंगा यहाँ पर थोड़ी सी, देखो हाई मनी की ट्रेड लेना मैं पसंद करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। एक तरह से आप क्या समझोगे भाई, अपने फुल मनी ही लगा दिए इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि मेरा जो व्यू है ना यहां से, ये मूविंग एवरेज क्या कह रही है, जब भी येलो लाइन ब्लू लाइन के नीचे तरफ ट्रेड करती है, इसका मतलब मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में येलो लाइन है। येलो लाइन ने ब्लू लाइन को डाउन की तरफ इस तरीके से क्रॉस कर रखा है, यानी कि ये ब्लू लाइन है, ये येलो लाइन है, डाउन की तरफ क्रॉस है तो मार्केट डाउन जाएगा, ये येलो लाइन अप की तरफ है तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ अगर आप प्राइजेशन एड कर देते हो तो भाई एक्यूरेसी का जवाब नहीं है, तगड़ी एक्यूरेसी मिलती है। ये चीज मैंने भाई पब्लिक ग्रुप वालों को कितनी बार बता रखी है, समझा भी रखी है, अगर आप सही से फॉलो करते हो तो, ठीक है। अभी अपनी यहाँ पर है वो सीपोसी बाकी है 13 सेकंड, अपनी रेट बिल्कुल विन जाने वाली है, बिल्कुल तगड़ा प्रॉफिट अपने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये देख सकते हो आप 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 भाई साहब प्रॉफिट, कहां पर अपना अकाउंट था, कहां पर वापस अपन लॉस में आ चुके हैं, कहां से वापस लॉस अपन प्रॉफिट में आ चुके हैं। यानी ये चीज आप समझ चुके होंगे कि जीरो से हीरो की जो कंपाउंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने चार ट्रेड ली, चार की चार प्रॉफिट हुई और भाई बस खत्म। भाई वो वीडियो होती है सिर्फ कट और कॉपी पेस्ट वाली, अपनी वीडियो ओरिजिनल वीडियो है, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि कैसे देखो मार्केट चलता है, कहां पे मेरे को लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट भी होगा, फिर लॉस फिर प्रॉफिट, एक ग्राफ चलता है मार्केट का, उस ग्राफ पे अपन सवार थे और अपन ने ओवरऑल तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है, देख सकते हो भाई इतना शानदार प्रॉफिट अपन निकाला है। तो भाई अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर मिल जाएगी, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाना, ठीक है, जहां पर आपको रेगुलर बैक टू बैक पब्लिक ग्रुप लाइव में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन करी मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कोई मत जाना, क्योंकि इतनी जबरदस्त इतनी नॉलेज वाली वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। जल्दी से सब्सक्राइब नाउ एंड ज्वाइन नाउ।